उत्तर प्रदेश में छठवें चरण का मतदान चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती सदर के मूड़घाट प्राथमिक विद्यालय पे। ये मॉडर्न स्कूल है और इस बूथ को भी बिल्कुल मॉडर्न तरीके से बनाया गया है। ये दिखा सकते हैं तस्वीरों में, गुब्बारे से इसको पूरी तरीके से सजाया गया है। यहाँ जो मतदाता आ रहे हैं उनका स्वागत हो रहा है, उसके बाद उनको वोट डालने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ लाइन नहीं लगी है। यहाँ जो भी मतदाता आ रहे हैं उनके बैठने के लिए यहाँ पर बेंच का पूरा इंतजाम किया है, सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि पूरी तरीके से इसको सजाया गया है ताकि जो मतदाता आ रहा है उसको उत्साह दिया जाए, उनको मतदान के लिए प्रेरित किया जा सके। इस पूरी व्यवस्था जो को जिसने किया है, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सर्वेश मिश्रा जो यहाँ के प्रधान अध्यापक हैं। सर, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई मॉडल? ये हमारा मॉडल बूथ है जिसमें पिछले साल भी वोट ऑफ परसेंट जिले में हाईएस्ट था, और इस साल हमने प्रयास किया कि हमारे जितने भी वोटर्स यहाँ पे आते हैं आप देख रहे हैं सीटों पर, उनको बैठने की व्यवस्था दी जाए, साथ ही साथ इनको पानी पीने के लिए जो भी दूसरी ज़रूरतें हैं वो भी दी जाएं। और जो हमारे तीन बूथ यहाँ पे हैं उनके जो इम्प्लाई जाते हैं बाहर से फोर्सेस के या नॉर्मल जो इम्प्लाईज होते हैं, उनके भी खाने पीने रुकने की अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। और इस मॉडल बूथ पे अभी तक आप देख रहे हैं मेरे ख्याल से 40% वोटिंग हो चुकी है शुरुआत के 3 घंटे में। और सर, हमारा प्रयास है कि हम 75+ वोटिंग देंगे शाम तक। हमारे बच्चों की बुलावा टोली भी यहाँ काम कर रही है जो लगातार घरों में जाके गार्जियंस को बुला रही है जो अभी तक वोट देने नहीं निकले, और ये शाम को 5 बजे तक चलेगा कंटिन्यू। बहुत शुक्रिया आपके साथ। देखिए, कुछ यहाँ के वोटर्स भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके की फैसिलिटीज उनको यहाँ पर मिली है, कैसी व्यवस्थाएं उनको मिली है। बिल्कुल देखिए, सलीके से सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित है। यहाँ पे ये बेंचेस लगाए गए हैं, जो वोटर्स हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग भी हैं, नौजवान हैं, ये लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करें बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। ये बताइए, यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? व्यवस्था अच्छी है, बढ़िया है यहाँ की। भीड़ लाइन में नहीं खड़ा होना? नहीं, लाइन में नहीं, आराम से बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चाचा, कैसा लग रहा है ये मतदान करने जा रहे हैं आप? ये व्यवस्थित है? बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। और भी देखिए यूथ हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। ये बताइए, ये जो व्यवस्थित है, ये पूरी व्यवस्था की गई है, कैसा लग रहा है ये व्यवस्था आपको? अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छी लग रही है। जी जी, यूथ हैं आप, देखा गया आपने, मतलब ये व्यवस्था जिस तरीके से चल रही है तो मतलब ठीक चल रहा है सब? बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सही है, मॉडर्न बूथ भी है। जी जी, ठीक है। देखिए, ये यहाँ के जो मतदाता हैं वो भी हमारे साथ हैं, आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में। देख, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से। ये बूथ है, यहाँ पर 3 बूथ बनाया गया है, सबको बारी बारी से बुलाया जा रहा है, सबको जो जो लोग हैं उनको नियम जो है उस नियम को बताया जा रहा है, उस नियम के तहत जो है इन लोगों की पूरी बारी बारी से इनको बुला करके इनको मतदान केंद्रों में भेजा जा रहा है। साथ ही हम आपको बस्ती जनपद की और भी तस्वीरें दिखाएंगे। बस्ती से हेमकाशिप, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।